नमस्कार दोस्तों, मैं आपको धतूरा औषधि से सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि आपके बहुत काम आएगा और आप चाहो जितना सोना बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, यह क्रिया कैसे करनी है और सोना कितने दिन में बनकर तैयार होगा, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर आप सोना बनाना सीखना चाहते हैं। मैं आपके लिए यह प्राचीन सोना बनाने का प्रयोग लेकर के आया हूँ। और तो और दोस्तों, मैं आपको इसमें सही से पूरी जानकारी दूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, रास्ते में वीडियो छोड़िएगा मत। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इसके आयुर्वेदिक फायदे बता रहा हूँ। दोस्तों, वैसे तो इस धतूरे औषधि के आयुर्वेदिक फायदे कई हैं और इसके तांत्रिक फायदे भी हैं। और तो और दोस्तों, इस धतूरे से सोना भी बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इसके पहले आयुर्वेदिक फायदे बताता हूँ, बाद में इसके चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा, सोना बनाने का प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, अगर किसी को कान में कोई दिक्कत है तो दोस्तों, सरसों के तेल में आपको धतूरे के फल के काले बीजों को निकाल करके उसमें पकाना है। पकाने के बाद दोस्तों, आपको कान में डालना है। और दोस्तों, जब आप कान में डालेंगे तो दोस्तों, आपके कान की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है और 10 साल पुराना अगर आपके घुटनों का कमर दर्द का जो दर्द है वो जाता नहीं है, यानी कि आपके घुटनों में कमर में जो दर्द है वो जा नहीं रहा है 10 साल से, तो दोस्तों, आप जो है धतूरे के फल को, जो इसमें बीज होते हैं काले वाले, उनको निकाल करके, इसको कूट करके आप सरसों के तेल में पकाइए आवश्यकता अनुसार, और फिर अपने घुटनों में और कमर की जोड़ों में आप इसकी मालिश कीजिए, तो दोस्तों, आपको बहुत राहत मिलेगा। अगर किसी के फोड़ा हो रखा है गाल में कहीं पर भी, तो दोस्तों, आपको जो है धतूरे के पत्ते से सिकाई करके उस फोड़े पर रखना है, तो दोस्तों, वो फोड़ा जो है ठीक हो जाएगा और पक करके बह जाएगा। अब दोस्तों, इसके तांत्रिक प्रयोग भी बहुत ही अद्भुत हैं और बहुत ही चमत्कारी हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में इसके जो है तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। लेकिन मैं आपको अब सोना कैसे बनाएं ये प्रयोग बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके लिए आपको शुद्ध, जी हाँ दोस्तों, आपको शुद्ध तांबा धातु की आवश्यकता है। तांबा जानते ही होंगे आप लोग। दोस्तों, आपको शुद्ध तांबा धातु को प्राप्त करना है, कहीं से लेकर के आना है, आप चाहे तो खरीद के भी ला सकते हैं। आपको शुद्ध तांबे धातु को खरीद के ला करके आपको डमरू यंत्र में शुद्ध तांबे को डालना है, और उसमें आपको धतूरे के बीज का रस और इसका, दोस्तों, आपको इसका रस और इसके पूरे पौधे का रस मिला करके आपको इसमें डाल करके डमरू यंत्र में पैक करके इसको आपको पकाना है लगातार 28 दिनों तक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लगभग लगभग एक महीना, आप जो है एक महीना मान के चलिए, यानी कि पूरा का पूरा 30 दिन मानकर चलिए, आपको यह क्रिया करनी है, ठीक है। और दोस्तों, आप देखेंगे कि एक महीने में सोना बन जाएगा। आपको डमरू यंत्र में लगातार, जी हाँ दोस्तों, बराबर तापमान, बराबर टेम्परेचर बना करके रखना है, इसको आग में रख करके पकाना है लगातार 28 से 30 दिन तक, इस चीज का ध्यान रखें। और दोस्तों, लगातार करना है। दोस्तों, यह क्रिया इसलिए की जाती है, जिस प्रकार से धरती के अंदर सोना बनता है, क्योंकि धरती के अंदर जो है जितना इसको तापमान चाहिए, जितना टेम्परेचर चाहिए, उन पत्थरों को, जो पत्थर सोना बनता है, जो भी धातु सोना बनती है, जिस भी क्रिया के तहत धरती के अंदर सोना बनता है दोस्तों, उनको वो टेम्परेचर जो है धरती के अंदर मिल जाता है, और वही टेम्परेचर जो है हम डमरू यंत्र के द्वारा सोना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर आप डमरू यंत्र में, जी हाँ दोस्तों, अगर आप डमरू यंत्र में धतूरे के, जी हाँ दोस्तों, धतूरे के जो बीज होते हैं, जो इसका जो रस होता है, इसको कूट करके इसका रस निकाल लीजिए और इसके पौधे का रस निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों, और इसके रस को जो है आपको तांबे में मिला करके डमरू यंत्र में भर करके लगातार 28 से 30 दिन तक पकाना है। आप देखेंगे कि दोस्तों, सोना बन जाएगा। और दोस्तों, इस क्रिया को आप जब भी करिएगा, बहुत ही सावधानी से करिएगा और गुप्त रूप से करिएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें, मन में लालच ना रखें, और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि लगातार बराबर तापमान रहे, बराबर आँच रहे, बराबर इसको आग में पकाएं, तभी यह सोना बन पाएगा।